इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स विद मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स क्या है, ये कैसे डिराइव हुआ और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस लेक्चर में हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि इस मेथड के हेल्प से हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे। मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर्स यूज कब होता है ये हम थोड़ा सा जरूर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा जब हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का निकाला तो उसमें हमने सिंपली ग्लोबल और लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाल लिया। फंक्शन के जितने भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा है जितने लोग सारे आ जाते हैं और फिर उसमें से हम मैनुअली सेलेक्ट करते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या है। लेकिन रियल लाइफ में या रियल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है, आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सपोज करिए आपको बाइक एक लिए हुए हैं और माइलेज उसका पता करना है, तो आप हर रोड पर चलाएंगे तो एक ही माइलेज नहीं आएगी, हर स्पीड चलाएंगे तो एक ही माइलेज नहीं आएगी, तो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन है। एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया आपको हाईवे पर माइलेज कितना है, अब आप माइलेज निकाल सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आप 10 के रफ्तार से चलाएंगे, 50 के रफ्तार से चलाएंगे, फुल 100 110 के रफ्तार से चलाएंगे, माइलेज एक ही नहीं आएगी। फिर आपको एक रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा कि माइलेज कब नापना है, तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया जाए कि आप 50 से 60 के बीच में या 40 से 60 के बीच स्पीड में आप बाइक चलाइए और इस हाईवे पे चलाइए तो माइलेज कितना आती है, तो आपको एक रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब आपकी माइलेज मैक्सिमम जानना है वो अंडर रिस्ट्रिक्शन की हाईवे पर चलाना है और 40 से 60 रखना है। तो रियल प्रैक्टिस में हमारे पास हमेशा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, अगर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे तो आप कभी भी यूजफुल रिजल्ट नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसको रिस्ट्रिक्शंस ही बोल सकते हैं या कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट कि हमें करना क्या है। स्टेटमेंट टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई जेड सच दैट जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि एफ एक्स वाई जेड ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक्स वाई जेड की जिस वैल्यू के लिए इसकी मैक्सिमा मिनिमा चाहिए वो वैल्यू इस इक्वेशन या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो एक कंडीशन लगा दी गई। इस कंडीशन को ही हम कई बार कंस्ट्रेंट बोलते हैं, कंस्ट्रेंट, और कभी कभी हम इसको कंडीशन भी बोलते हैं। तो कंस्ट्रेंट बोले या कंडीशन बोले, तो हमें अब इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है सच दैट ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो। तो इसके लिए हम करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने थ्री वेरिएबल लिया है, ये मल्टीपल वेरिएबल का है जो टू वेरिएबल में भी वर्क करेगा और कितने भी वेरिएबल हो उसमें वर्क करेगा। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम मेथड सीख लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन मतलब कब हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगी। तो हम ऑलरेडी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में ये समझ चुके हैं कि अगर एफ एक्स एफ ऑफ एक्स वाई जेड कोई फंक्शन है उसकी, या टू वेरिएबल में हमने दो ही वेरिएबल लिए थे, एफ ऑफ एक्स वाई अगर कोई फंक्शन है तो हमने उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए नेसेसरी कंडीशन डेराइव किया था डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई जीरो हो जाना चाहिए, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाना चाहिए। तो उस टाइप की कंडीशन यहाँ भी आएगी, लेकिन हमें डायरेक्ट फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एफ के जीरो करने से काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम एक फंक्शन फॉर्म करते हैं,
नया फंक्शन एक फॉर्म कर लेते हैं, स्टेप वाइज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप वन हमारा ये है, स्टेप वन फॉर्म लैग्रांजियन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स वाई जेड। ये हम एक फंक्शन फॉर्म करते हैं जिस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, यूजुअली हम उसको एफ ले लेते हैं या कुछ भी नाम से ले सकते हैं, और जो कंडीशन है वो यहाँ पर हमने जी रखा है, वो भी किसी अदर नाम से हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जिस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। दूसरा जो है ये इक्वेशन के फॉर्म में है, इसको हम कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स, पहले ही हम लिख चुके हैं, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं या कंडीशन बोलते हैं। तो जो इक्वेशन के फॉर्म में है वो कंडीशन है, जो फंक्शन है उसी को ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मीन्स मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो ये हम एक लैग्रेंजियन फंक्शन फॉर्म करते हैं कैपिटल एफ, इसमें क्या करते हैं ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स कंडीशन फंक्शन। ये जो फंक्शन कंडीशन फॉर्म कर रहा है, ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स ये कंडीशन वाला फंक्शन, इसको ले लेते हैं, इसको लैग्रांजियन कहते हैं। ये क्यों कहते हैं और मेथड क्या है, ये हम अभी भी बोल चुके हैं कि नेक्स्ट लेक्चर या दूसरे किसी लेक्चर में इसको डिटेल में बात करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स कंडीशन करके एक नया फंक्शन बनाएंगे और इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, इस कैपिटल एफ का मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। उसके लिए हमें अब नेसेसरी कंडीशंस यहीं से देखनी है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो फॉर स्टेप टू नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा ऑप्टिमम मींस मैक्सिमम मिनिमा अंडर रिस्ट्रिक्शंस, इसको ऑप्टिमम बोलेंगे। मैक्सिमम मिनिमम अंडर सर्टेन कंडीशंस मींस मोस्ट सुटेबल ऑप्टिमम मिनिमम फॉर आवर रिक्वायरमेंट, तो इसको ऑप्टिमम बोलते हैं। तो ऑप्टिमम लिख रहे हैं मींस आगे जब भी ऑप्टिमम बोलेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों समझ लेंगे अंडर कंडीशंस। तो स्टेप टू हमारा क्या है कि डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो करेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो करेंगे और डेल एफ बाई डेल लैम्डा भी जीरो करेंगे। ये जो लास्ट वाला हमने लिख दिया है, आप यहां से देख सकते हैं, हम ये कैपिटल एफ लिखा है, स्मॉल एफ जो हमारा है वो फंक्शन है जिसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। कैपिटल एफ हमने लैग्रांजियन फंक्शन, कभी कभी सिर्फ लैग्रांजियन भी बोलते हैं, और अगर आप नाम नहीं भी याद रखना चाह रहे तो एक फंक्शन फॉर्म किया है, ये इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है। अब अगर इसको लैम्डा से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल, तो डेल एफ बाई डेल लैम्डा जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये यही आ जाएगा जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास चार इक्वेशंस हो गई, इन चार इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है और एक लैम्डा हो गया, चार वेरिएबल है, चार इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकलेगी वहीं पर फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमा या मिनिमा में से क्या होगा, वो एक लेंथी टॉपिक है और ज्यादातर ग्रेजुएट कोर्सेज में शामिल नहीं रहता है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम कैसे जानेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा है, मोस्ट ऑफ दी जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे या तो उसमें गिवन होगा कि हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमा या मिनिमा, या हम क्वेश्चन में से जब निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो अब ये एक मेथड है, सिंपल मेथड, इसको एक बार वापस रिव्यू करें। हमें एफ की मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करनी है, जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो है, हमने एक लैग्रांजियन फॉर्म किया कैपिटल एफ इज इक्वल टू
ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन प्लस लैम्डा टाइम्स कंडीशन फंक्शन। अब हम ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल कर जीरो करेंगे, एक्स वाई जेड और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, उस एक्स वाई जेड के लिए फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमने टू वेरिएबल्स में ये किया था पहले मैक्सिमम मिनिमम, ये थ्री वेरिएबल में है और इस फंक्शन को कितने भी वेरिएबल में कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, जितने भी हो जाए उसको आगे ऐसे ही जनरलाइज करते चले जाएंगे। और कंडीशन भी अगर और हो गई, दो कंडीशन हो गई, तो एक लैम्डा के साथ लिखते हैं, दूसरा प्लस म्यू के साथ लिख देंगे, या लैम्डा वन लैम्डा टू, तो इस तरह से करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें समझ में आए, टू वेरिएबल में ही ले लेते हैं एक एग्जांपल, हम छोटा सा एग्जांपल एग्जांपल फाइंड मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। अब हमारे पास ये एक कंडीशन हो गई और हमें वाई माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। सॉरी हम यहाँ पर जेड नहीं लिख रहे हैं, जेड क्योंकि हमने दो वेरिएबल का ही फंक्शन लिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब ये स्मॉल एफ को हमें ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ से पहले ये चीज डिटरमिन कर लीजिए कि कंडीशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो ये एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, यही फंक्शन है, और एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू वन ये इक्वेशन है, ये हमारी कंडीशन है। जो भी एफ एक्स वाई के लिए पॉइंट आएगी ऑप्टिमा की, मैक्सिमा मिनिमा की, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है एग्जैक्टली वैसे ही, लेट एक लैग्रेंजियन बनाए कैपिटल एफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा टाइम्स, हमें चाहिए यहाँ एक कंडीशन, और कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इससे पहले हम कंडीशन को ही लिख लेते हैं जिसे हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो हमें मैक्सिमाइज करना है टू मैक्सिमाइज, उसको भी हम सेपरेट लिखते हैं, टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या है, सच दैट जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको हम चाहे तो यहीं पर इक्वेशन नंबर डालकर इसको कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है, और बाकी इक्वेशंस हम आगे लिखते रहेंगे। तो अब हमारे पास जैसे हम मेथड में हमने अभी डिस्कस किया था, ये हम फॉर्म करेंगे कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ प्लस लैम्डा टाइम्स जी एक्स वाई। ये कई बार काफी लेंदी फंक्शंस होते हैं एफ और जी, जिनको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना और डिफ्रेंशिएट करना टफ होता है। तो अभी ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं तो हम सीधे ही लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस वन। जब f और g लेंदी फंक्शन होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जिनका डिफ्रेंसिएशन आसान नहीं होगा, तो हम लिखेंगे f और g ही लिखे रहेंगे, अलग से डिफ्रेंसिएट कर लेंगे, फिर आंसर में लिखेंगे। अब हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है, फॉर मैक्सिमा मिनिमम, फॉर मैक्सिमा मिनिमम, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमें क्या देगा, जब हम इस कैपिटल एफ को एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं एफ एक्स वाई, एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस टू एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स वन इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या होगा हमारे पास, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो वेरिएबल का फंक्शन है। ये हमारे पास हो जाएगा वन प्लस लैम्डा टाइम्स वन इज इक्वल टू जीरो। इस दोनों को हमें सॉल्व करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर टू और इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख रहे हैं। यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन, और ये जो ऊपर वाला इक्वेशन नंबर टू है
क्वेश्चन नंबर टू, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई टू। लैम्डा की वैल्यू माइनस वन है तो x की वैल्यू वन बाई टू हो गई, x की वैल्यू हो गई वन बाई टू। तो अब ये वैल्यूज हमने निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन और उससे हमें x की वैल्यू मिल गई वन बाई टू। अब इसको फर्दर हमें सॉल्व करना है, देखना है कि y की वैल्यू क्या होती है। तो y की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, इस हमने आपसे बताया था कि इक्वेशन नंबर वन टू और थ्री सब कुछ सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर वन है x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, उसमें रख दे क्योंकि ये दो इक्वेशन तो यूटिलाइज हो चुके हैं। पुट x इज इक्वल टू वन बाई टू इन वन, वन में जब आप x इज इक्वल टू वन बाई टू रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। सो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये प्लस होगा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू और अकॉर्डिंगली ये माइनस हो जाएगा माइनस वन बाई टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू वन माइनस x इज इक्वल टू वन माइनस माइनस हाफ इज इक्वल टू थ्री बाई टू। वाई की वैल्यू थ्री बाई टू मिल गए। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखा है लेकिन हमारे पास एक ही पॉइंट है, माइनस हाफ ये एक्स की वैल्यू है एंड थ्री बाई टू ये वाई की वैल्यू है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम नहीं पढ़ेंगे, लैग्रांज से जो क्वेश्चन में दिया होगा वही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में मिनिमा फाइंड करने के लिए लिखा है तो हम पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एफ हाफ माइनस वन बाई टू थ्री बाई टू और ये आपको मिल जाएगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर एट माइनस हाफ थ्री बाई टू। दिस इज इक्वल टू वाई की वैल्यू थ्री बाई टू माइनस माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइव बाई फोर, ये मिनिमम वैल्यू है। कैसे हमें पता लगा मिनिमम वैल्यू है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि लैग्रांज मेथड में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या ऑब्टेन करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको मिनिमा ऑब्टेन करनी है इसलिए इसमें मिनिमा आएगा। अब बाय द वे एक बार ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एग्जामिनेशन में वेरिफिकेशन पूछा नहीं गया होगा तो आपको नहीं करना है और यूजुअली नहीं पूछा जाता है। तो हम वेरिफिकेशन वैसे ही कर दे रहे हैं, वेरिफिकेशन विद डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, जो हम पहले से जानते हैं मेथड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए, तो उससे हम वेरिफिकेशन करते हैं। उससे वेरिफिकेशन हमारा क्या है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। यहां से हमें मिल जाएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा वन माइनस एक्स। अब वन माइनस एक्स वाई को यहाँ आप रख सकते हैं तो ये सिंपल एक फंक्शन बन जाएगा फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स, वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं तो वाई की वैल्यू पुट कर देंगे वन माइनस एक्स तो हमें क्या मिल जाएगा वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसी फाई का मैक्सिमम इनमें निकाल लेंगे तो हमें जो नोन मेथड है उसके हिसाब से फाई डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वन जीरो माइनस वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ मिल जाएगा जो पहले भी आपको मिल चुका है इस मेथड में। अब हम यहाँ पर देखना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, माइनस टू। अब क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है इससे डायरेक्ट पता चलता है कि मैक्सिमा
एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, मैक्सिमा निकलेगा। तो इस फंक्शन में मैक्सिमा निकलेगा। अब देखिए ऐसे होता है, यहाँ पर हमने मिनिमा लिख रखा है लेकिन ये मैक्सिमा निकलेगा। तो हम इस क्वेश्चन को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैक्सिमा निकल आया है, फाइंड मैक्सिमा। ये लैग्रांज मेथड में, क्योंकि हम हमारे कोर्स में ऐसा नहीं है कि लैग्रांज मेथड में डिसीजन प्रोसेस नहीं है, लेकिन लैग्रांज मेथड मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए 2, 3, 4, 10 कितने भी हों, इसलिए उसका डिसीजन मेकिंग एक अलग और लेंदी प्रोसेस है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो अगर कोर्स में हमारे नहीं है तो फिर जो क्वेश्चन में लिखा है हम वही आंसर में लिखेंगे, आंसर गलत है या सही है, क्योंकि वो हमारा डिसीजन लेना हमारा यहाँ पर काम नहीं है। अगर एक या दो वेरिएबल में तो हम डिसीजन ले सकते हैं, अगर दो से ज्यादा वेरिएबल में है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमने डिसीजन लेकर इसको करेक्ट कर दिया, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, मैक्सिमा मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर।